अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। क्या हाल, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ जॉब पे, तो मैंने सोचा जाते जाते वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इतनी ज़्यादा ठंड है, इतना टम्परेचर है, मुँह से इतना धुआं निकल रहा है। देखें, दस्ताने पहन के आई हूँ मैं, इतना ज़्यादा टम्परेचर रात का हो गया हुआ है ना। कल भी कक्कर भरा हुआ था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। आज भी बहुत ज़्यादा ठंड है। इसी सुबह सुबह प्यारे से दिन के साथ आगाज़ करते हैं हम अपनी वीडियो का, और दुआओं में याद रखिएगा आप लोगों के लिए, सब के लिए छोटी सी दुआ। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। ऐ मेरे परवरदिगार, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो जो परेशान, उनकी परेशानियाँ दूर करें, जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको अल्लाह अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। या सबसे बड़ी दुआ और बेहतरीन, सबके माँ बाप को उनके सर पे सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। फिर मिलते हैं, आगे देखते हैं पूरा दिन हम क्या करते हैं। इतने जी शहद है, शहद असी पानी पते बच्च तोलन लगी है, कितने ग्राम पानी, दो तोड़े इतना गर्म होया तो निकल रहा है। मीठा पेस्ट है, मीठी चटनी। जैसे बाहर वेख्या हर चीज जेड़ी है ना चिट्टी हुई है, इतना कक्कर पिया है, देखो। Oof, my God. Finally, ये खत्म हो गया, अब इसको दो के मिलते। इतने जी असी नाश्ता कर ले, बाहर का व्यू चेक किया तो फाइनली धूप निकल आई। तकरीबन 11 बजे का टाइम है तो मौसम काफ़ी साफ हो गया, धूप निकल आई तो फिर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जरा है वो कम हो गया। इतने जी हो गई कम तो छुट्टी, अस चले घर। इतने जी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 3 बजे घर गए हैं रेस्ट करन, 2 घंटे दी डिनर करके आए ने तो हूँ स्कूल जा रहे हैं, तो असी घर जा रहे हैं छुट्टी करके काम तो। मौसम आज नाइस है। चलो खड़े होके बताओ, खड़ा हो जाओ ना। स्टार्ट अप, असिस्ट स्टार्ट अप। इतने जी फिर इतनी मस्तियां करके काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई, सूरज ग्रुप पे आंदा तो मैं जल्दी ना बाहर जाके मैं वीडियो बनाई है कि सूरज ग्रुप पे आंदा है, बहुत प्यारा व्यू सी ते मौसम मेरे ना भाग के चला गया बाहर, खिड़की खोल के वेखता फिर मैं डिगना पवे, फिर मैंने कहा कि तू आ जा इतने बालकोनी तो वेख लै, तो बालकोनी खड़े तो अपन मस्तियाँ शुरू कर ली हैं, केंद्र ना खेडन लग पे। अगू वेखो अस थले लकड़ियाँ लैन गए। इतने जी काफ़ी ज़्यादा शाम में सर्दी हो गई, फिर मैं लकड़ियाँ लैन गई थले, तो मैं थोड़ी कट के लिया स, तो क्या मैं कटनी है तू कट लै, मतलब मेरे मुंह तो ना मार सड़ी। चलो मारो पकड़ो। इतने जी मैं आई हूँ बालन लैन थली, ना थोड़ा छोटा करके खोलना पैंदा है, तो कहता मैं करना मारो वीडियो दे नाल, मैं तू कर ले बालन भी साडा खत्म हो गया तो सर्दी भी आ गई।
जी मारो तू पासा पासा नहीं मार दी चले ऊपर बन टोकले मैं दरवाजा बंद कर नहीं सोया चलो आज पकड़ो बोल बे चलो चलो बोल बे मुझे फोर तो मुझे फोर थे मुझे बोल बे हाँ जी गाइस इधर हो चुकी है रात और मौसम लोग आ गए थे मैंने उनको टाइम दिया उनके साथ खेलने लग पड़ी तो मुझे पता था शायद सालन है सुबह वाला वही कल चल जाएगा लेकिन ये तो हो गया ख़त्म अभी पापा लोग आए उनको दिया खाना टाइम काफ़ी हो गया मैं शदीद थकी हुई हूँ फिर मैंने देखा कि खाना नहीं है उन्होंने सुबह काम पर जाना होता है तो सालन वगैरह ना हो तो फिर किसके साथ खाना खाना कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं फिर मैंने जल्दी से इधर आलू बैंगन काट के पतीले में ऐड कर दिए हैं थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ऑयल और टमाटरों वाले बैंगन है ये अब हल्की आँच पे पकते रहेंगे इनमें मैं आलू भी ला के ऐड कर दूँगी फिर बनेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं अभी फिर इधर चाय बनानी थी मैंने बोला अंडे उबाल लूँ बहुत ज़्यादा सर्दी है बहुत ज़्यादा तो मैंने बोला चलो सुबह के बेचारे काम कर रहे हैं ज़मीन में तो अभी खाएँगे थोड़े गर्म हो जाएंगे ना अंदर से हीट मिलती है काफ़ी इनका असर होता है और फिर मिलते हैं आप मैं जल्दी से ये ख़त्म कर लूँ फिर मिलते हैं कहते जी साढ़े आलू बैंगन पक गए देखो कितने अच्छे बने साढ़े आलू बैंगन रेडी हो गए सिर्फ 10 मिनट लग गए खाना बनाया ते बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो लाइक नहीं कर दे चलिए आप मेरे घर अच्छा लगे लाइक कर दिया।